हिंदुस्तानी अंजू पाकिस्तानी नसरुल्ला। ये मैं नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। सोशल मीडिया से परवान चढ़ा रिश्ता, पति और बच्चों को छोड़कर अंजू फरार। कल कॉल आई थी, वॉइस कॉल, उस पे बताई उसने कि मैं लाहौर हूँ। बच्चों से बोली बेटा बहुत जल्दी आऊंगी, ऐसी बात हुई है। ऑनलाइन प्यार अंजू सरहद पार। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमयार। सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से भारत पहुंची तो हिंदुस्तान की अंजू नसीरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। खबर है कि अंजू और नसीरुल्लाह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने प्यार और शादी से इनकार किया है। अंजू ने कहा है नसीरुल्लाह सिर्फ उनके दोस्त हैं, प्यार वाला रिश्ता नहीं है। तो ऑनलाइन प्यार और अंजू ने सरहद पार किया, लेकिन इन सब के बीच अब खबर यह है जी मीडिया से बातचीत करने के दौरान अंजू ने कहा है कि उनके और नसीरुल्लाह के बीच सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता है, प्यार वाला रिश्ता नहीं है। पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह तो मैं बता दूँ घर पे, तो इनको नहीं कर पाई थी, तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूंगी। तो फिर मेरा यहाँ पहुँचने के बाद ही हो पाया क्योंकि हाँ, फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं तो थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है और ये अचानक नहीं हुआ है, दो दिन की प्लानिंग नहीं है और सारा लीगली आई हूँ मैं, और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी और वीजा भी लिया है मैंने, तो इस तरीके से आई हूँ। और जैसे आई हूँ बस वैसे अभी वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी दो तीन दिन में। बस मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा लिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते क्यों जाना। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी यहाँ पे सारे, और इसीलिए बस इसलिए आ गई। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब एक दो बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा यूज भी नहीं किया है, और मैं ज्यादा फिर व्हाट्सअप से ही बात करती थी। और मैं से वीजा ऑफिसर थे वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह है क्या, आपको और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है, और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं जैसे आई हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो दीन में, आप पर दीन में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस स्टेशन में कि मतलब जो फॉर्मेलिटी होती, तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की जो यहाँ की वो थी पुलिस वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। नहीं सर पहली बार आई हूँ और किसी से बात भी नहीं है मेरी, बात सिर्फ उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती हूँ, और एक इनके दोस्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं उनको जानती हूँ, और वो नंबर मैंने वहाँ पे सबको नोट करा दिए थे कि मैं इन दो बंदों को जानती हूँ, उनके फ्रेंड है और उनकी फैमिली को, और मेरी यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं। तो ऐसे था कि सबसे पहले होता मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, लीगली थी, सारा एड्रेस भी था, और ये पता था कि बॉर्डर के पार जाते ही करेंसी और ये चेंज हो जाएगा, नंबर भी काम नहीं करेगा, तो उन्होंने बोला था आप लाहौर तक आ जाओ, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बॉर्डर के बाद वहां से क्या है जाने के लिए। तो बाद में जब मैं बॉर्डर पार करी तो वहां से पता चला कि वहां से टैक्सी जाती है लाहौर के लिए, वो भी पैसे देने होते हैं और ज्यादा पैसे लगते हैं, 3,000-3,500 ऐसे। और अंजू के बिना बताए पाकिस्तान जाने से उनके पति और परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट।
पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार के लिए भारत आने का दावा कर रही है। वो कितनी सच्ची है और उसका दावा कितना सच्चा है, इसकी पड़ताल अभी चल रही है। सीमा की सच्चाई तो जल्द सामने आ ही जाएगी, मगर सीमा पार प्यार वाला एक और मामला हैरान कर रहा है। इस बार मामला उल्टा है। प्यार की खातिर भारत की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी सीमा हैदर की सचिन से पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई थी, तो भारत की अंजू की दोस्ती पाकिस्तानी नसरुल्लाह से फेसबुक पर हुई। दोनों महिलाओं में कुछ कॉमन चीजें हैं और कुछ अलग भी हैं। सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई, जबकि अंजू ने वीजा और पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान का रुख किया। सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ है, जबकि अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के साथ है। सीमा हैदर से UPATS और दूसरी एजेंसियों ने पूछताछ की है, वहीं अंजू से पाकिस्तान की पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीमा अपने पहले पति को छोड़कर भारत आई, तो अंजू भी अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान गई। सीमा अपने चार बच्चों के साथ भारत आई, जबकि अंजू अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। कब घर से गई थी, क्या बोल के गई थी कि कहाँ? बृहस्पतिवार को गई थी, बोली थी कि मैं जा रही हूँ जयपुर, जयपुर घूमूंगी। तो आपने पूछा नहीं, जयपुर और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, वीजा कब अप्लाई किया? मैं इतना कुछ पूछा नहीं। मैंने फिर थोड़ा मैं पैसे के बारे में बात किया कि मैंने पैसे की बात कर रही थी, उसको बात मेरी करा दो, ठीक है? तो कहीं तो मैं बात करूंगी। उसके बाद तो उतना मैं गया नहीं। फिर बाद में मेरे को याद आया, फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा पासपोर्ट ले गई है क्या? बिना पासपोर्ट के तो जाए ना। अब उसके बाद मैं वीजा के बारे में बात करने की सोचा, तो उन्होंने बोली कि मेरे से अभी बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो, एक हमारी वहाँ सहेली साली रहती है, उससे बात कर लो। उससे मैं बात हुई तो कह रही वो पाकिस्तान चली गई है, दो तीन दिन में आ जाएगी। अंजू के पाकिस्तान जाने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। अंजू ने अपने पति से सहेली के साथ जयपुर जाने की बात कही, मगर वो पहुंच गई पाकिस्तान। अब उसका पूरा परिवार परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। जयपुर का बोल के घर से निकल गई, घर से जब वो निकल गई फिर उसके बाद वो पहुंची अमृतसर। अमृतसर वो पहुंची है, फिर उनने हमें फ़ोन से कांटेक्ट हुआ है, उनने बताया कि मैं अमृतसर पहुंची हूँ। मैं फिर अमृतसर पहुंची हूँ, फिर उसके बाद कल जब शाम के टाइम उनसे कांटेक्ट हुआ, तब उनने बताया कि मैं लाहौर पहुंच गई हूँ। तब उनने लाहौर का नाम लिया, लाहौर तो पाकिस्तान में। तब हम लोग को थोड़ा सा धक्का लगा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई हो? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड है, मैं उधर गई हुई हूँ। अंजू ने ईसाई धर्म अपना कर अरविंद से शादी की थी, दोनों के दो बच्चे हैं। अरविंद राजस्थान में प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वहीं अंजू भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अंजू के पासपोर्ट पर जन्म स्थान यूपी के जालौन का कैलोर गांव लिखा है, जबकि उसका मौजूदा पता राजस्थान का अलवर है। अंजू अचानक पाकिस्तान कैसे पहुंच गई, इसके बारे में उनके परिवार को कुछ भी पता नहीं है, जबकि वो वीजा लेकर बाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गई। नहीं, सख्ती तो नहीं होना चाहिए, जब वीजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इगलोर तरफ से जाती तो दिक्कत है, समस्या खड़ी होती है। ये तो कभी आपने खुद लोगों ने जांच की, खंगाला फेसबुक अकाउंट या बाकी चीजें कि क्या बात होती थी? टच नहीं करते लेडीजों का। मैंने आजकल क्या है ना, फोन भी टच कर लो तो मेरा फोन क्यों टच कर लिया, ये थोड़ा रिश्तेदारी में रिश्ते में भी दरार हो जाती है, इसलिए मैं फोन छूता नहीं। हाँ, मांग लेता था कॉल वोल करने के लिए तो पैसे में कर लेता था। अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान गई है और वीजा में शादी का जिक्र भी है, मगर सवाल यह है कि पति और परिवार को छोड़कर उसे ये करने की नौबत क्यों आई? किसी तरीके का डिप्रेशन था, तनाव था, जो कि एक कहते हैं कि हवा बदल जाएगी, कहीं घूम के आ जाइए। हाँ, अभी इधर जॉब कर रही थी ना, तो एक नेपाली था इधर हुंडा में जॉब, वो भी करता था, तो वो थोड़ा परेशान करता था, वो टेंशन में थी, दो दो तीन तीन दिन तो उसने दरवाज़ा बंद करके रखी थी डर के मारे। हाँ, मैंने बोले बंद क्यों कर रखी है? कह रहे जब भी आना फ़ोन करना, ऐसे परेशान थी। तो कहते मैं एक हफ्ते की छुट्टी लूँगी, थोड़ा माइंड के लिए, उससे थोड़ा टेंशन दूर हो रहेगा। परेशान नेपाली करता था और अंजू चली गई पाकिस्तान। ऐसे में सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल सीमा हैदर की तरह ही सरहद पार अपने फेसबुक वाले प्यार से मिलने गई अंजू चर्चा में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।